अरे ये मिस्टर कपूर मेरे काउच पे क्यों सो रहे हैं? हद है। एक्चुअली अच्छा ही है, इन्हें सोने ही देते तक मैं जाके रेडी हो जाती, वरना कल रात की तरह अगर ये पहले बाथरूम में घुस गए ना तो 2 घंटे बाद निकलेंगे और फिर बेकार की बहस करेंगे। निकलिए ना बाहर, मुझे भी चेंज करना है। टाइम लगा रहे हैं लड़कियों की तरह। कल के कपड़े डिसाइड करती हूँ, ये पहनती हूँ। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, लास्ट टाइम मैंने यही साड़ी पहनी थी जब मिस्टर कपूर ने ये इयररिंग्स मुझे गिफ्ट किए थे। कल भी पहनती हूँ। He'll be so happy to see this. लेकिन नहीं, वो जानबूझ के मुझे इरिटेट कर रहे, तंग कर रहे, तो मैं भी उन्हें खुश नहीं करूंगी। मिस्टर कपूर, बॉस, बाहर निकलिए ना प्लीज, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। और अगर आपकी वजह से मेरी नींद खराब हुई ना तो याद रखिएगा, मैं भी आपको रात भर नहीं सोने दूंगी। गुड, यही तो चाहता हूं मैं। Now I'm going to purposely take my time. अरे हद है यार, कोई जान पूछ के कितना तंग कर सकता है। अरे प्रिया, दरवाजा खोलो। मैंने बाहर से लॉक कर दिया है। लॉक क्यों कर दिया तुमने? Because you deserve that. मुझे ऐसा लगा कि आपको बाथरूम बहुत ही पसंद आ गया। आप एक काम कीजिए ना, आप वहाँ टब में ही सो जाइए, okay? I'm fine here. Good night. अरे don't be ridiculous यार, दरवाजा खोलो, come on. Yeah, hi, good morning. I want to order एक green tea और एक double strong coffee. किसी को उठाना है? Thank you. थोड़ा जल्दी हाँ. Okay. आश्वानी, मैं देख रहा हूँ तुम जल्दी तैयार होके आ जाओ, okay? नहीं नहीं नहीं, जल्दी मत आना, तुम आराम से आना, बहुत प्यार से चल के ठीक से, ओके? हाँ खुश, आई अंडरस्टैंड इट्स ऑकवर्ड, पर मैं यहाँ सैमी के भाभी के रिश्ते से नहीं आई हूँ ना, मैं पहले प्रिया की फ्रेंड हूँ, राइट? तो अब मुझे अंदर आने दोगे या यहीं से? और बच्चू, तूने ना बहुत चॉकलेट चुरा चुरा के खाई है मुझसे, भूल गया सब कुछ? नॉट माय हेयर प्लीज आदि, कितनी बार बोलूं आपको, बचपन से बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके, अब मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ चलो। ये लोग सूट करता है यार, कुछ सूट नहीं करता, बैठो यहाँ पे प्यार से, बाल छूते रहते हो मेरे। ओ माय गॉड, मेरे लिए इतना सारा काम क्यों नहीं कर सकता मैं? बहुत काम करता हूँ आजकल मैं। सच में बड़ा हो गया यार, शादीवादी के सोचे? सब लोग कहाँ हैं? क्याडी भाभी, कैसी हैं आप? लॉन्ग टाइम। या वो मॉम इज नॉट इन टाउन ना, सो एनीवे प्रिया नहीं दिखाई दे रही, वेयर इज शी? वो भी बाहर गई है, ऑफिशियल ट्रिप। ओह, मैंने सोचा था कि उनको आके सरप्राइज दूंगी, एंड टर्न्स आउट कि मैं ही सरप्राइज दूं। प्रिया अकेली गई है? नो, विद अ न्यू बॉस। बॉस कौन? आई डोंट नो, जो भी है बहुत खड़ूस है। सुहानी ने देखा है उसे? हाँ मैंने देखा है उन्हें। एनीवन आई वुड नो और प्रॉब्ली डैड वुड नो। जो भी है बस नए हैं यहाँ पे। देन नो होप, मैं इस एरिया में किसी को नहीं जानती हूँ, सो थैंक गॉड बच गई। प्रिया खुश है ना? वो यहाँ पे एवरीथिंग्स फाइन विद हर ना? हमारे सामने तो ऐसे ही दिखाती है, बट वी नो बहुत लोनली फील करती है कभी कभी अपने आप।
यू को भी मिस करती है। बोलती नहीं है सब बड़ी नो यू कैन फिगर इट आउट। पीहू ना प्रिया की लाइफ लाइन है। मैं प्रिया की लाइफ पीहू के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकती। आई जस्ट डोंट नो। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं क्लिनिक के लिए निकलती हूँ। अरे हाँ, आपने क्लिनिक नहीं देखा ना? सीना छोटा है बट यू नो अपना है। चलो एंड मैं काम करूंगी, आई लीव फ्रॉम देयर ओनली, आई एम रनिंग लेट। श्योर। रुको, इस बार आने दो उनको, हम खुद ही उनको बोलते हैं कि अपना ट्रैवलिंग अलाउंस और डीए क्लेम करे। Well, आज आपका काफी वक्त ले लिया मैंने, why don't you just carry on? अरे नोनो सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे सर, वो आपके वो हेड ऑफिस में अगर कोई जरूरत हो तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। हेड ऑफिस में आप जैसे एम्प्लॉइज की तो बहुत जरूरत है। अरे थैंक यू सर। वैसे आपके पास लास्ट ईयर के ऑडिट रिजल्ट्स होंगे? मैं अभी गया और अभी आया सर। रियली यार, बॉस ने ना उनकी लाइफ हेल बना दी है। परेड करता हुआ दिल्ली भी ले गया उनको अपने साथ। तेजाब है बॉस, खड़ूस है, सड़ू है, पर तेजाब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। अरे मैं उसकी नहीं फिल्म की बात कर रहा हूँ, तेजाब फिल्म की, जहाँ अनिल कपूर माधुरी दीक्षित में इंटरेस्टेड था, तभी उसकी लाइफ हेल बना देता है ताकि माधुरी खुद हार कर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे उसके सामने। ओ हेलो, वो अनिल कपूर था, स्लिम हैंडसम एंड हॉट, और ये राम कपूर है, मोटा डबल डेकर। देखना कुछ तो है, तभी इतनी खुशी खुशी दिल्ली गया। तो मुझे प्रिया से बात करनी ही पड़ी। पता है ये क्लिनिक देखने के बाद ना मुझे दुबई की याद आ गई। वहाँ पे बिना प्रिया की एक छोटी सी क्वेंट सी एक बुकशॉप होती थी, वेरी क्यूट। आई एम जस्ट ग्लैड कि प्रिया आज भी बदली नहीं। हाँ फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त मैं और पीहू उसके साथ थे और आज तुम और सुहानी हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। हम ये क्या कर रहे हैं यार, कैटी को क्या बोलूंगा मैं? कैटी यहाँ क्या कर रही है? कुछ मुझे कैब मिल जाएगी, तुम जाओ सुहानी नहीं। अरे मैं आपको दिलवा। अरे मिल जाएगी, जा डोंट गेट फॉर्म बिल। शो शो नॉट माय हेयर प्लीज। गाड़ी रोक। डैड, आप यहाँ? वेल सेम क्वेश्चन मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ। यहाँ क्या कर रही हो और क्या क्यों रुकी हो? गाड़ी कहाँ तुम्हारी? कार तो रिट्जी ले गई ना, सो आई हैड टू टेक अ कैब। ओके, तो अब कहाँ जाना है? घर। चलो मैं भी घर ही आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। दूसरे रूम का अरेंजमेंट हो गया है। लेकिन कल तक तो रूम अवेलेबल नहीं था, आज ऑल ऑफ अ सडन ये रूम कैसे अवेलेबल हो गया? सर अभी एक कस्टमर ने चेकआउट किया है। बहुत अच्छा किया। कब शिफ्ट करेंगे सर? पहले मैं बाकी कमरा देखूंगा, अगर मुझे सब कुछ पसंद आए तो फिर शिफ्ट करूंगा। ओके ओके सर। को क्या जवाब दूं? मैंने कहा था आई विल हैंडल इट, राम का उसकी उस एम्प्लॉई से कोई भी सीन नहीं होने दूंगा। अब तो कंफर्म हो गया यार, लेकिन ये बात कैटी को कैसे बोलूं? प्रिया इज सो इम्पोर्टेंट टू हर। आई नो, डैड ने कहा था वो सब हैंडल कर लेंगे, अब अगर उन्हें पता चला मैं फिर भी प्रिया से मिलने आई थी तो, एंड एज हिज डॉटर इन लॉ कुछ तो लॉयल्टीज है ना मेरी, पर प्रिया इज माई वीकनेस। यहाँ कैसे? वो यहाँ पे साइट विजिट के लिए आए थे। अच्छा, यहाँ थाने में? हाँ, वो क्लाइंट ने यहीं पे प्लॉट खरीदा तो। प्लॉट देखने तो राहुल को आना चाहिए ना, आर्किटेक्ट तो वो है, बिल्डिंग बनेगी तो तुम इंटीरियर्स करोगी ना, यू आर एन इंटीरियर डिजाइनर। हाँ पर राहुल और मैं साथ में काम करते हैं ना, और फिर पंडित भी यहीं आ रहा था। पंडित किस लिए? वो डैड, ये क्लाइंट ना थोड़ा रिलीजियस है, उसको सब कुछ वास्तु के हिसाब से चाहिए था, सो राहुल इंसिस्टेड कि मैं पर्सनली आके चेक करूं। ओके। फिर अगर तुम यहाँ थाने ही आ रही थी तो मुझे बता देती, मेरे साथ आ जाती। वो पता नहीं था ना कि आप भी थाने आ रहे हो,
आई नो, वो एक्चुअली मेरी भी यहाँ एक साइट मीटिंग थी। अगली बार मैं यहाँ आ रहा हूँ तो तुमसे पूछ लूंगा, फिर दोनों साथ आ जाएंगे। या या, श्योर डैड, या। मोर क्लैरिटी। कॉफी आई क्या? कमाल है, इतनी देर पहले मैंने बोला था। अरे फोन तो डेड लग रहा है। कमाल है, अभी तो मैंने ऑर्डर किया था तो बात हुई थी ठीक से। एनीवे, एक काम कीजिए, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, हम लोग नीचे चल के ब्रेकफास्ट कर लेते, चाय कॉफी भी वहीं पी लेंगे। हाँ, ओके। हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। एक्सक्यूज मी, आपका रेस्टोरेंट किस तरफ है? दैट वे मैम। ओके। अरे वो कल रात को आपने कहा था कि आज सुबह तक रूम अरेंज हो जाएगा, तो अब तो सुबह होके बहुत घंटे हो गए, हुआ क्या रूम अरेंज? बट मैम वो तो क्या, वो बताइए ना। मैम शायद आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि अभी अभी एक रूम खाली हुआ था, मैंने सर को इमीडिएटली फोन करके इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन सर ने कहा कि बाद में बताएंगे कि शिफ्ट करना है या नहीं। और मैम ऐसे तो कोई भी रूम होल्ड पे नहीं रखा जा सकता है ना, बस अभी अभी वो रूम बुक कर लिया गया है। एक मिनट, आपने मिस्टर कपूर को फोन करके बताया था? यस मैम, यही कुछ एक घंटा पहले। तो फिर आप कपूर सर कहाँ चले गए, अभी तो यही थे। एक्सक्यूज मी, अरे लड़कों की प्रोफाइल्स क्यों भेजी हैं मुझे? लड़कियों की प्रोफाइल्स के लिए बोला था, डफर हैं सारे ऑफिस में। What are you doing? मॉम यहाँ नहीं है तो आप मौके का फायदा उठाएंगे? I understand mom has been away for a while, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ लोगे। ऐसा किसने बोला है यार? इन लड़कियों के रिज्यूमे ने, जिन्हें आप इतने क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये मैं किसी और औरत के बारे में ना सोच भी नहीं सकता, फॉर टू रीजंस। एक, मेरी शादी हो चुकी है इसलिए इतना डफर तो मैं हूं नहीं कि वो गलती दोबारा करूं। एंड टू, तुम्हारी मॉम जो तुम दोनों को मेरी दुम बना के छोड़ गई है ना, इतना सा भी कुछ करूंगा और उसको अगर इन्फॉर्मेशन लग गई ना, तो मेरा मर्डर हो जाएगा। Very funny. ये सब प्रोफाइल्स राम के एम्प्लॉयज, मैं इनको बस इसलिए स्टडी कर रहा था ताकि थोड़ा कुछ पता चले कि राम की मिस्ट्री एम्प्लॉय है कौन। कौन है डैड वो? Did you find out? You know what? सारे एम्प्लॉयज मिलके ना कुछ घुसर-घुसर कर रहे थे कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लोग ना सही कहते हैं, इंसान जिससे शादी करता है ना वो धीरे धीरे उसी की तरह बन जाता है। आई एम श्योर आपने राम अंकल की फुल जासूसी की होगी ना, तभी तो आपको कैसे पता कि उनके ऑफिस में कौन क्या कह रहा था। आई एम श्योर ये सब आपने वहीं से मंगवाए होंगे। आप जानते हो ना राम अंकल प्रिया आंटी से कितना प्यार करते हैं, वो ऐसी स्टूपिडिटी कभी भी नहीं करेंगे। प्लीज रिलैक्स डैड, आप ये सब मत सोचिए। एक काम करते हैं, मैं आपके लिए फटाफट अच्छी सी ग्रीन टी लाती हूँ। तो आज सुबह आप थाने इस काम के लिए गए? ये अब ऑफिस में जो रूमर्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ पता तो लगाना है ना। आई अंडरस्टैंड बट यू नो रिची इज राइट, आपका इंटेंशन सही है पर आपका तरीका बहुत गलत है। अगर सच में राम सर के लाइफ में कोई है तो वो सच जानने का पहला हक प्रिया का है। व्हाई डोंट यू टॉक टू प्रिया? आई गेस यू आर राइट, प्रिया से बात करनी पड़ेगी। सर नानी जी जी वो सब रेडी है, मैं बस दो मिनट में आपको मेल कर देती हूँ, ठीक है? अरे कहाँ गए? इससे पहले कैडी भाभी प्रिया आंटी को लेकर और अपसेट हो या डैड मॉम की जैसे हरकतें करे, आई शुड जस्ट डिस्ट्रॉय दीज। क्या ऐसे क्यों घूर के देख रही हो मुझे? मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ मिस्टर कपूर, और ये भी जान गई हूँ कि आपने क्या किया है, बट मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। गुड, तो अगर तुम मुझे जानती हो तो फिर तुम ये भी जानती हो कि मैं कब बात करना चाहता हूँ और कब नहीं बात करना चाहता हूँ, और इस वक्त मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, सो आई डोंट वांट टू टॉक। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आप हैं नहीं, ओके? आई जस्ट वांट टू नो कि जब मैनेजर ने आपको फोन करके कहा कि कमरा अवेलेबल है तो आपने लिया क्यों नहीं? एक बात बताओ, हु इज द बॉस, मैं या तुम? ये क्या सवाल हुआ? ऑब्वियसली आप ही बॉस हैं,
Who has the right to take the decision? Office ke decisions obviously you. तो बस मैंने डिसीजन ले लिया. हाँ कमरा अवेलेबल था, मैंने कमरा जाके चेक किया, इस कमरे से भी और खराब था, इसलिए मैंने नहीं लिया वो कमरा. व्हाट्स द बिग डील? आप मुझे बता सकते थे ना, मेरे आपके जितने नखरे नहीं है, आप यहीं रह लेते, मैं उस कमरे में शिफ्ट कर जाती. तुम्हें मेरे साथ रहने में अगर इतनी परेशानी है तो मत रहो मेरे साथ, तुम यहीं रहो, मैं चले जाऊं. अरे बट वो रूम ही अवेलेबल नहीं है, आप किसी और को दे दिया उन्होंने. डोंट वरी, चाहे वो कमरा मिले या नहीं मिले, मैं कहीं भी सो जाऊंगा. ओके बाय. अरे हद है, अलग कमरे में रहने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे सामने ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मेरे साथ रहना चाहते. ठीक है, मत कीजिए एक्सेप्ट, मैं भी देखती हूं कब तक नहीं करते. मिस्टर कपूर? जी सर. आई नीड अ रूम राइट. जस्ट अभी अभी आप ही के फ्लोर पे एक रूम खाली हुआ है. हाउसकीपिंग रूम क्लीन ही करा होगा. गुड. It's room number 299, sir. Thank you. अब देखता है, I will be so close to you, पर फिर भी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ. I'm so sorry. मुझे लगा ये मेरा रूम है. I'm so sorry. It's okay, Jiju. लेकिन आप यहाँ, किसी ने मुझे बताया नहीं कि आप प्रमोशंस के लिए आ रहे हैं. अरे शादी के साइड इफेक्ट्स, जो फिल्म हमने साथ में की है, भूल गए? No. I'm Ram Kapoor. Remember, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में मिले थे वो डर्टी पिक्चर की प्रमोशन के लिए. Oh my God! आप तो जुड़वा भाई लगते हैं. वैसे राम कपूर ऑस्ट्रेलिया, आपकी बीवी ने और मैंने साथ में डांस किया था ना, और आपकी तो उन पर से नजर ही नहीं हटी थी. Just kidding. कैसी है वो प्रिया? राइट, वो नहीं आई? नो. वो लगता है आप बिजनेसमैन लोग टीवी नहीं देखते. मेरी नई फिल्म रिलीज हो रही है 28 February को, शादी के साइड इफेक्ट्स. वैसे तो ये फिल्म सभी के लिए है, पर चूंकि आप शादीशुदा है, आपको जरूर देखनी पड़ेगी. और इस फिल्म में मैं हूँ, ऑल द मोर रीजन टू सी इट, है ना? वैसे अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे नीचे जाना था और मेरी टीम अभी तक नहीं पहुंची. यू माइंड कमिंग विथ मी? या श्योर. चलिए. विक्रम. हाय विक्रम. हेलो प्रिया, कैसे हो? अरे तुम्हें याद है कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ? मुझे तो लगा तुम और नेहा सिर्फ मिस्टर कपूर के ही दोस्त हो. एनीवे, इतने लंबे अरसे बाद फोन किया तो आई एम श्योर कुछ इम्पोर्टेंट ही होगा. बताना था तुम्हें. हाँ तो बताओ ना, क्या हुआ? पीहू ठीक है? हाँ पीहू एकदम ठीक है. ओके तो नेहा, कैडी, रिधिमा, आई मीन आई होप एवरीवन इज फाइन. नेहा और कैडी भी ठीक है. तो फिर बात क्या है, बताओ ना प्रिया. वो क्या विक्रम यार, प्लीज इस तरह पहेलियां मत बुझाओ. डोंट मेक मी नर्वस. व्हाट इज इट? राम के बारे में. क्या 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 हुआ मिस्टर कपूर को? हाँ व्हाट हैपेंड? पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं. अरे यार पहले बताओ तो सही क्या हुआ है. या राम, मुझे लगता है राम इज हैविंग एन अफेयर एट ऑफिस. व्हाट? या मुझे लगता है राम का ऑफिस में किसी के साथ अफेयर चल रहा है. ही हैज मूव्ड ऑन. मुझे लगता है वहां से कोई मिल गया जिससे वो कई दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, मुझसे बातें छुपा रहा है. और ऑफिस में तो ये भी र्यूमर है कि दिल्ली में अभी वो लेडी उसके साथ ही है. मैंने काफी जानने की कोशिश की, फिर मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए. या यू ओके? या ओके, थैंक्स फॉर टेलिंग मी. मैं बाद में बात करती हूँ. ओके विक्रम, जो कह रहा है वो अगर सच हुआ तो आई मीन कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में मिस्टर कपूर दिल्ली किसी लड़की के चक्कर? नो वंडर उन्होंने एक बार भी उस बिजनेस मीटिंग का जिक्र भी नहीं किया जिसके लिए हम यहाँ आए हैं. और जब से यहाँ आए हैं तब से उनका मूड खराब है.
Maybe because मैं हमेशा उनके साथ हूँ और वो उस लड़की से हेलो मैम हाय मुझे भी नहीं रुकना है अब इस होटल में करते रहे मिस्टर कपूर जिससे भी मीटिंग करनी होने बहुत हो गया यार मिस्टर कपूर ये किस लड़की के साथ घूम रहे लवली एब्सोल्युटली लवली माय गॉड बहुत अच्छी लग रही हो मैं वर्ड्स इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि वर्ड्स कम पड़ रहे वेरी नेचुरल थैंक यू ओ रियली मिस्टर कपूर इतने रोमांटिक मेरे लिए तो कभी नहीं हुए जितने इस ये है कौन ये आई वांट टू किल दिस वुमन नहीं बट इसमें इस लड़की की क्या गलती है जब अपना ही मोटा सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्यों ब्लेम करना अगर विक्रम की बात सच हुई ना मिस्टर कपूर I swear, you've had it. मैं आपको ना कभी माफ नहीं करूंगी कभी नहीं For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.